हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कशन करने को सेल्फ गुड्स आक्ट 1930। ये भी गोटे माने इम्पोर्टेंट आक्ट, जो भाई तुम्हें कंपनी आक्ट अच्छी तुम पढ़ तुम्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आक्ट अच्छी, कॉन्ट्रैक्ट आक्ट तो ऑलरेडी तुम्हें पढ़ी सारी बोली आशा करुच्ची जे ये भी गोटे इम्पोर्टेंट आक्ट जोटा हमें कौन पढ़ुंत सेल ऑफ गुड्स आक्ट 1930। आम जो कॉन्ट्रैक्ट आक्ट पढ़िले से आमें बहुत सारे जिनस जाने कौन जाने जे कॉन्ट्रैक्ट केमती हो कॉन्ट्रैक्ट पाई कौन कौन एसेंशियल एलिमेंट्स सब दरकार आ एलिमेंट्स सब कौन कौन थिला ताको भल से आम बुझिले। ओके, बहुत बढ़िया से बुझिले जे हूँ जे यही एलिमेंट्स सब फुलफिल करूँ जा गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो पार। तापर कॉन्ट्रैक्ट रू आम केमती मानने डिस्चार्ज होते जोटा थी कौन तुम जो ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक आम सब पढ़िले, ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थिला डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थिला। ओके, तो बहुत बढ़िया से सब आम बुझिले। एबे आमर टॉपिक सेकेंड यूनिट रे तुम सेल ऑफ गुड्स आक्ट आम आज सेल्स ऑफ गुड्स आक्ट अंडर रे मु तुमको आज डिस्कशन करिया जाउची। गोटे टॉपिक होची कंडीशन एंड वारंटी, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। ओके, एको आम बहुत बढ़िया से बुझा आ धीरे धीरे कर भलसे बुझेबी। आ बुझेबा पूर्व तुमको आगे मोर ऑनलाइन क्लासेस विषय टे कौ। देखो पिले, ऑनलाइन क्लासेस मु बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर ही फर्स्ट आरंभ करी, कारण जो मैंने फर्स्ट सेमिस्टर मो पाखरे पढ़िबे मुझे तो आश्योर करी जो कौन पाठ तो ठीक से बुझे मुझेदेवी से एग्जाम कौन परफॉर्मेंस करेंगे सेटा डिपेंड करुच्छे प्रैक्टिस केमती करेंगे लेखी केमती प्रैक्टिस करेंगे तांकर माने कॉलेज रे तांकर इनफॉर्मेशन कौन दे कॉलेज रे केते पढ़ाई से अनुसार से प्रिपेरेसन करेंगे ये सब जिनस भी जरूरी कर मानने रण ग्रेजुएशन आमको यह किसी जिनस को फॉलो करा पड़ा। आ मु तुमको गोटे सजेसन दूँ ग्रेजुएशन टाक ये तुम्हें पढ़ जमी ग्रेजुएशन जो तीन वर्ष तुम्हें मास्टर डिग्री कम्प्लीट हो तुम ता मैंने कौन बुझा तुमको कौच ग्रेजुएशन को ये भलसे पढ़ तुम्हें मास्टर ही ग्रेजुएशन रे बुझे मास्टर मैंने से सब्जेक्ट पूरे मास्टर होते बढ़िया से तुम हाथ में टाइम अच्छी आजिकल दुनिया प्रकार फैसिलिटी होगा तुम्हें जी जोश रे पढ़ी दबो ना जोश रे जोटी जे जोटी पढ़ुच कोचिंग क्लास हो ऑनलाइन क्लासेस हो जे जोटी पढ़ुच बुक मटेरियल रेडी करी लेखिकी बहुत बढ़िया से मानने लेखिकी प्रैक्टिस करो जो भाई कि तुम्हें कौन हम एमती पढ़ जोटा कि जमी गोटे बिजनेस लॉ गोटे पेपर ताते पढ़ जोटा कि बिजनेस लॉ रे पूरा मास्टर हो जाओ जोटा कि फ्यूचर में तुम्हें जिते भी कौटि भी किसी एंट्रान्स दब कौन कर तुम हाथ में जमी सफिशियंट मानते तुम पाखे सफिशियंट नलेज थी तुम्हें जमी कि एंट्रान्स क्लिक करके पलिजी एत थर पढ़ एत थर लेख ग्रेजुएशन तो भल परसेंटेज रखिए रखो ता सहित कैरियर भी स्ट्रंग हो। ओके, कौन सी भी कॉलेज रे पढ़ुच छोट कॉलेज बड़ कॉलेज सेमती किसी ना बेस बास खाली फ्रेंड सर्कल एनवायरमेंट। ओके, पाठ हूँ ये तुम्हें जगिक पढ़ देख पिले ऑनलाइन क्लासेस रे जॉइन करने तुमको मोबाइल नंबर अच्छी 9776180019 पर मंथ रहइबो तुमरो 500। ओके, बहुत फ्लेक्सिबल फीस अच्छी सेमती बेसी बड़ अमाउंट रु नहीं पर मंथ बेसीस अच्छी कि सेमती मैंने बड़ धरण तुमको किसी ग्यारंटी मानने ये दबा मानने किसी एमती रोनी बास खाली 500 पर मंथ पे करके जॉइन करने मोबाइल नंबर यहाँ ही गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर। ओके, गला एट दि टाइम हाँ क्लास टाइम रोज तुम 6:30 PM रोज क्लास। ओके, कारण ठीक इवनिंग रोज कारण फ्लेक्सिबल रहा तो नोट भी तुम्हें पाइब आ भल से धीरे धीरे करके बढ़िया से बुझा हो पाठ भी तुम्हें बहुत बढ़िया से बुझीज। देख पिले एट दि टाइम अफ सेलिंग सेलिंग द गुड्स ए सेलर यूजुअली मेक्स सर्टन स्टेटमेंट। ओके, देखो आम जितने किसी जिनस सेल परचेज करें एक्स पाखु वाई किसी जिनस परचेज करुँ ये तो गोटे कॉन्ट्रैक्ट है माने एक्स ऑफर कला वाई कौन ऑफर को एक्सेप्ट कला जे मु जिनस किनियापाई तुम पाखु चाहूँगी ठीक अच्छे। ओके, ए प्राइस रे दिजन भितर गोटे कॉन्ट्रैक्ट हो गला तो कॉन्ट्रैक्ट जोटा होटा आम कॉन्ट्रैक्ट आक्ट 1872 भी आम पढ़ी ए विषय। ओके, किंतु ये कौन करें सेल ऑफ गुड्स आक्ट अंडर पढ़ुं आउ सेल ऑफ गुड्स आक्ट रे जो जिनस लेखा मनेकर आम सेल परचेज मानने सेल मैंने गुड्स सेल कर तो यदि सेल ऑफ गुड्स आक्ट रे किसी जिनस लेखा ना एमती किसी जिनस रहा कथा से कौनटा फलो करवा कॉन्ट्रैक्ट आक्ट को देखा कितु आगे तो सेल ऑफ गुड्स आक्ट विषय किसी लेखा अच्छी कि देखा। ओके, ये जिनस तो आम पढ़ी फास्ट बेसिक जितने सेल ऑफ गुड्स आक्ट विषय पढ़ुते। ओके, ये आम पढ़ुं कौन कंडीशन वारंटी विषय मुझ फास्ट रू टे तुम बेसिक हिंट दूँ
एट द टाइम अफ सेलिंग द गुड्स ए सेलर यूजुअली मेक्स सम स्टेटमेंट। देखो एक्स पाखु वाई जी किसी गुड्स परचेज करुच्चे साधारण या हो एक्स वाई पाखु गुड्स परचेज कला कि तार जो मेन कंट्राक्ट सहित किसी कंडीशन रोचे किसी टर्म रोचे ये से विषय लिखा अच्छे सेलर यूजुअली मेक्स सर्टन स्टेटमेंट और ए रिप्रेजेंटेशन विथ व्यू टू इंड्यूस द इंटेंडिंग बायर टू परचेज द गुड्स सच रिप्रेजेंट्स आर जेनेली अबाउट द नेचर एंड द क्वालिटी अफ गुड्स जिते गुड्स मैंने सप्लायर गुड्स सप्लाय करुच्चे मैंने सेल कर मैंने सेलर जी गुड्स सेल करने चाहूँ आगे कौन करुच्चे किसी स्टेटमेंट दूँ कि रिप्रेजेंटेशन दूँ जो मो गुड्स क्वालिटी या फीचर्स या गुड्स ये लास्टिंग कर कितने किलोमीटर माइलेज देख जो टाइप जिनस ओके आउ क्वालिटी क्वांटिटी या अच्छी तो यह किसी डिस्क्रिप्शन आकार में थपे किसी इम्प्लायड आकार में थपे मीन किसी रिटर्न फॉर्मेट रे किसी इम्प्लायड फॉर्मेट रे एमती किसी भी थपे तो कंडीशन तो किसी थी टर्म किसी थी व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन डू नॉट पार्ट ऑफ द ए कॉन्ट्रैक्ट सेल दे आर नॉट रिलेवेंट कुछ एमती किसी स्टेटमेंट जितने सप्लायर गुड्स सेल करुच्चे किसी कंडीशन मैंने तादर जुड़ी मैंने से जो सेल ट्रांजेक्शन है ना ता सहित किसी कंडीशन अच्छी किंतु से कंडीशन एत रिलेवेंट नुहे मेन कंट्राक्ट सहित से रिलेवेंट नुहे ताको आम इग्नोर करदे बट व्हेन दीज फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कुछ कंडीशन टा कॉन्ट्रैक्ट रो पार्ट थिबो जमीती कि एक्स वाई भितर गोटे ट्रांजेक्शन हो कौन वाई एक्स रोटे कार मैंने एक्स पाखर गोटे कार परचेज कला आ कार रे मेंशन अच्छी कौन ना कार 50 किलोमीटर देखेब 50 तो छाड़ दि 25 किलोमीटर देखेब पर लिटर माइलेज ओके गोटे लिटर रे 25 लिटर 25 किलोमीटर जीव से कार ओके ता माने वाई यही कंडीशन रे परचेज कर कार को देखुची गोटे ता भितर कंडीशन अच्छी आ तो बहुत सारे कंडीशन थाई पारे किंतु गोटे कंडीशन अच्छी कौन ना माइलेज एत किलोमीटर देखेब नॉर्मल माने एवरेज स्पीड माने एवरेज माइलेज एत देखेब हुए तो केतले 2 किलोमीटर कमी जो कि 2 किलोमीटर केतले बढ़ी जीव ओके को कारण किंतु से ताले कौन है मेन कंडीशन एटा रही से विषय कहूँ कह कौन कह बट व्हेन दिज फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहि से कंडीशन टा एभली हेतिबो जोटा के मेन कॉन्ट्रैक्ट रे गुटे पार्ट हेतिबो ऑफ अ सेल द बायर रिलाइज अपॉन देम दे आर रिलेवेंट बायर कौन करती तापर डिपेंडेंट रहउची माने सेलर को पूरे भरोसा करची हां सेलर ए जिंस कहउची माने ए जिंस ट्रू हेतिबो ओके एंड हैव अ लीगल इफेक्ट ता माने जदी से कंडीशन जदी फुलफिल न होला ताले लीगल इफेक्ट भी अछि ओके ए रिप्रेजेंटेशन व्हिच ए फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड स्टिपुलेशन स्टिपुलेशन किछ नहि माने स्टिपुलेशन कोन कहलो माने यदि मु तुम सहित किछ ट्रांजैक्शन करू छी मींस मु तुम किछ जिंस सेल करू छी ता सहित किछ कंडीशन किछ टर्म किछ एमति किछ थाई पारे ना किछ जुड़ी किछ थाई पारे से कॉन्ट्रैक्ट सहित जो जिंस मु तुम सेल करू छी ओके तो ये आम कौन कौन किसी भी रही थी जी तेल स्टिपुलेशन कौन स्टिपुलेशन को आम दुईटा पार्टस नहींपर जो स्टिपुलेशन बेसी इंपोर्टेंट मैंने एसेंस रही कॉन्ट्रैक्टर ताको आम कह कंडीशन कह स्टिपुलेशन मीनस किसी टर्म एंड कंडीशन यह तुम माइंड में बुझी जाओ कि असुविधा ना ओके आउ से स्टिपुलेशन को आम टूटा कैटेगराइज मैंने टू पार्टस कैटेगराइज कर गोटे हूँ कौन कंडीशंस आउ गोटे हूँ वारंटी कंडीशन आम ये जिनसटा कह जमी तुम मोबाइल फोन परचेज करुच मोबाइल फोन रे तुम कौन अच्छी ना कंडीशन अच्छी कौन मोबाइल तुमको दिखाई कौन जी मोबाइल ना गोटे तुम मोटर बाइक परचेज करुच मोटर बाइक तुम कंडीशन अच्छी मोटर बाइक गोटे किलोमीटर पचास गोटे लिटर ऑयल 50 किलोमीटर जीव मैंने से माइलेज 50 किलोमीटर देख पर लिटर ओके तो यहाँ गोटे कंडीशन अच्छी ताले एठी एटा को आमे कोन बोली कहि परबा एटा कहि परबा जे एटा उठे एसेंस कॉन्ट्रैक्टर माने जे बायर से किणुची को पायरन किणुची 50 किलोमीटर देखोची हां ठीक है मैं एटा किणीबे ओके तो स्टिपुलेशन हाउएवर एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट इक्वल इंपोर्टेंस मो ऑलरेडी कहि सारछि स्टिपुलेशन जोटा सेटा टर्म एंड कंडीशन कुछ सब उडा केते इंपोर्टेंट नथिबो कॉन्ट्रैक्टर सहित कहि कोन हाउएवर द एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट इक्वल इंपोर्टेंट सम ऑफ दिस मे बी वेरी वाइटल व्हाइल अदर मे बी ऑफ कौन सम विट लेसर सिग्निफिकेंस द मोर सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन इज कंटेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेल ऑफ गुड्स हैव बीन कॉल्ड कंडीशन ओके जोटा मोर इंपोर्टेंट थिबो कॉन्ट्रैक्टर एसेंस थिबो मेन पार्ट रे थिबो
तो ताको आमे कोली कोन बोली कहउचोंती ना कंडीशन आउ जोटा लेसर थिबो माने लेस सिग्निफिकेंट थिबो ताको आमे कहउचोंती कोन वारंटी ओके वारंटी वारंटीज एबे तो तुम्हें आइडिया आसी थिबो स्टिपुलेशन का को कहउचोंती ना गुटे सिंपल ए रिप्रेजेंटेशन व्हिच फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट माने करो ए पाकरु बी गुटे कार परचेज करूचे ताले तांको भीतर किछि तो माने से कार सहित किछि कंडीशन किछि टर्म तो जुड़ी थिबो निश्चित जे कार एते किलोमीटर जाऊची कार रकम माने होची तार एते माने एते किलोमीटर चलला पर होची माने जते पर्यंत जीवो इंजन हीट एते हीट हबनी तो बहुत सारे जिनस ता भीतर टर्म एंड कंडीशन थिबो किछि जिनस होची पूरा एसेंशियल ओके से जिनस जदि टिके भी माने ब्रिज होची ताले जे बायर जिनस रिजेक्ट कर दबो मींस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर दबो ओके माने मु तुम पाखरु जदि कार परचेज करली कार मैं कहि जे कार 50 किलोमीटर जीवो पर लीटर किंतु से कार होची गल्ला होची केते ना 30 किलोमीटर जाउची पर लीटर ता माने कोन हैला एठी तुम्हें जो मेन कंडीशन को तुम्हें ब्रिज करुछ माने कंडीशन को तुम्हें ब्रिज करुछ मते चीट करिछ मते मिस रिप्रेजेंट करिछ ता माने मु कोन करबी ताको ब्रिज कर देबी से कॉन्ट्रैक्टर को मींस तुम कार धरे देबी तुम्हें मते टंका रिटर्न कर दबो ओके तो टोटल टा जा रहिला ताको स्टिपुलेशन बोली कहउछन्ते आ से स्टिपुलेशन को हमें टूटा पार्ट्स रे भाग करछन्ते गुटेला कंडीशंस आ गुटेला वारंटी ये जिनस को मन रखिबा दरकार व्हाट इज कंडीशन व्हाट इज वारंटी ये को जानिबा दरकार आउ तापरे आमे बुझिबा कोन कंडीशन कोन वारंटी कोन एठी माने ताको यदि क्वेश्चन रे आसीला ताको लेखिबो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज गुड्स सब्जेक्ट मैटर होची गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माने मो पाखर तुमे जिनस परचेज करूछ देयर आर मिलियंस ऑफ सेल ट्रांजैक्शन व्हिच ऑकर इन नॉर्मल कोर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर आर सर्टेन प्रोविजन व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड बिकॉज़ इट इज डिमांडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट कोची जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हैला से कॉन्ट्रैक्ट सहित किछ प्रोविजन भी रहउची तुमे गुटे माने करो गुटे रेफ्रिजरेटर परचेज कलो रेफ्रिजरेटर टा कोन तुमे नै गेल खाली तादर तुमे देखिथिबो नि तादर कोन मेंशन अछि आ सप्लाई रे कोन तादर दैछि तुमको वारंटी वारंटी कोन दैछि ताकु भी तुमे स्टडी करूछ ओके तादर कंडीशन कोन अछि वारंटीज कोन अछि ताकु तुमे देखुछ यदि तुमे घर को रेफ्रिजरेटर किनिंग नै गेल देखला ले कि कोन होउछि ना से ठंडा रखु नै माने रहु नै फास्ट टिके चालुछि तापर किछि समय चलला पर से आ ठंडा रे माने माने ठीक से ये होउ नै त माने कोन कि तुम्हें गोटे टीवी किनिक नहीं गल टीवी तुम दि चार घंटा चलला पर हीट हो जाऊँ पूरा ओके ता माने ये सब सहित कौन अच्छी जोड़ी की अच्छी ओके ये सब प्रोविजन ये सब न रहा दरकार तुम्हें किसी जिनस एक्सप्रेस फर्म अच्छे किसी जिनस एम्प्लॉयड फर्म अच्छी ओके ताको आम कौन कौन ना हूँ बाय द कॉन्ट्रैक्ट दिज प्री रिक्वायर्ड्स कैन आइदर बी कंडीशन और वारंटी कंडीशन इज द फंडामेंटल स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल व्हेयर द वारंटी इज द एडिशनल स्टिपुलेशन ओके ताले कंडीशन रो मीनिंग कौन सॉरी कंडीशन सेक्शन 12 रे लिखा छ कौन स्टेट देयर कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन व्हिच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ता माने सप्लायर यदि कंडीशन को ब्रीच करिछि ताले बायर कोन करि परिबो बायर रिटर्न करदेव मीनस रिजेक्ट करदेव रेपुडिएट करदेव कंट्राक्ट कैनसल हो कंट्राक्ट रिभोक होके द ब्रिज ऑफ ए कंडीशन गिव राइज टू द राइट टू द ट्रीट दैट कंट्राक्ट इज रेपुडिएटेड और ब्रोकेन सो अकॉर्डिंग टू द एबो डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट कंडीशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्राक्ट कंट्राक्ट ऑफ अ सेल कंट्राक्ट ऑफ अ सेल द ब्रिज ऑफ अ कंडीशन विल बी रिगार्डेड द ब्रिज ऑफ अ होल कॉन्ट्रैक्ट यदि कंडीशन ब्रिज हैला ताले होल कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रिज हो कारण कंडीशन टा होची उटे एसेंस माने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल रे सेटा उटे कोन एसेंस बोली आमे ताको कहउचंती एग्जांपल जेमति एक देछि देखो ए बायज फ्रॉम बी गुटे हेयर किल ऑयल परचेज करछि एडवर्टाइज इट प्योर कोकोनट ऑयल किंतु से ऑयल को तुम्हें जेहेतु एडवर्टाइजमेंट होउची जे प्योर कोकोनट ऑयल तुम्हें परचेज कर देलो किंतु परचेज कला पर सेठरे जानिलो जे सेठरे मिक्स अछि अलग किछि माने एमती किछि इंग्रेडिएंट्स मिक्स अछि ए कैन रिटर्न द ऑयल एंड द क्लेम द रिफंड ऑफ अ प्राइस काहेकि ना तुम्हें एडवर्टाइज करछो जेटा 100% कोकोनट ऑयल किंतु सेटा 100% कोकोनट ऑयल नुहे जाना पड़ गला ताले कोन होबो रिफंड हे जइबो ओके रिजेक्ट हे जइबो कॉन्ट्रैक्ट ता भांगी जइबो मीनिंग ऑफ अ वारंटी वारंटी मीनिंग बहुत इजी किसी बड़ कम्प्लेक्स जिनस नुहे यहाँ देख पिले वारंटी तुम सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 रे मेंशन अच्छे स्टेट्स दैट ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन व्हिच इज कोलेटरल कोलेटरल मीन्स एडिशनल बुझीपार तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोविजन्स
মানে এমিতি মানে লেস ইম্পর্টাণ্ট প্রোভিজন কিছু সেটা তো কন্ডিশনটা দেলা মেইন ইম্পর্টাণ্ট এসেন্স থিলা কন্ট্রাক্টরে টু দ্য মেইন পারপজ অফ দ্য কন্ট্রাক্টর দ্য ব্রিচ অফ দ্য ওয়ারেন্টি গিভ রাইজ দ্য ক্লেম অফ ড্যামেজেস তা মানে কোন যদি সপ্লায়ের ওয়ারেন্টিকে ব্রিচ করুছি কন্ডিশন ব্রিচ করুথলা কন্ট্রাক্ট ভাঙ্গি যাওথলা মিন্স বায়ার ভাঙ্গি দেউথলা কন্ট্রাক্টকে বায়ার রিজেক্ট করে দেউথলা ওকে তো এটি ওয়ারেন্টি ব্রিচ কলা যদি কে সপ্লায়ের তাহলে কোন হব তা বদলরে বায়ার কোন করিব ক্লেম করিব কন্ট্রাক্টটাকে রিপুডিয়েট করিবনি কিন্তু হচ্ছে কোন করিব ড্যামেজ ক্লেম করিব যে তুমি মতে ঠক মানে তোমার যে ওয়ারেন্টি থিলা তুমি তাকে মিসরিপ্রেজেন্ট করিছ যদরাই কোন হব তুমি মতে এক্সট্রা ক্লেম মানে এটিকে কম্পেনসেট কর ওকে বট নট দ্য রাইট টু রিজেক্ট দ্য গুডস and treat the contract is repudiated the above definition show that there is implementation of a contract warranty is not essential for the breach of a warranty only damages can be claimed example a while selling his car to b stated the car give mileage 12 km per liter of petrol the car gives only 10 km it's just the kilometer kami gala b cannot reject the car it is a breach of warranty he can only claim damages for the loss due to jodi mona kore seta 5 km emti kichi dekhe thanta okay ki 7 km dekhe thanta tale hoye to seta breach boli ame treat korthanta ha eta ut essential boli karan adha he gala kintu just gute 2 km hele taku ame warranty re treat kor dei pariba setu ethi a kon koribo a huchi b kon koribo kichi claim extra claim kon koribo কম্পেনসেট মাগিব কে তুম কার কইতলা এতে কিলোমিটার দেখাইবার থিলা এতে কম দেখাউছি তুমি মতে পেমেন্ট কর যে ড্যামেজ পাই কম্পেনসেট কর ওকে গলা তাহলে এটি আমি গোটে জিনিস বুঝলে কোন কন্ডিশনটা যেটা হচ্ছে মেইন কন্ট্রাক্টর এসেন্স বলে আমি তাকে কইপারিবা আউ তোমার ওয়ারেন্টিটা গোটে এক্সট্রা প্রভিজন বলে আমি বুঝিপারিবা লেস সিগনিফিকেন্ট মানে প্রভিজন ওকে মানে কন্ট্রাক্ট অফ সেলরে আউ স্টিপুলেশন হচ্ছে দুইটা যাক আমি কম্বাইন্ডলি কৌন স্টিপুলেশন ওকে গলা দেন ডিফরেন্স বিটুইন কন্ডিশনস আন্ড ওয়ারেন্টি বহুত ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে ফার্স্ট কৌছি কোন এ স্টিপুলেশন হুইচ ইজ এসেনসিয়াল টু দ্য মেইন পারপজ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট তাকে আমি কন্ডিশন বলে কৌলে ওয়ারেন্টি হচ্ছে কোন এ স্টিপুলেশন ইজ এ কোলেট্রাল টু দ্য মেইন পারপজ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট দ্যাট ইজ হচ্ছে ওয়ারেন্টি ওকে বহুত ইজি কিছু প্রবলেম নাই দেন রেজল্ট ব্রিচ রেজল্ট অফ ব্রিচ যদি কন্ডিশন ব্রিচ হেলা তাহলে কন্ট্রাক্ট কোন হয়ে টর্মিনেট হয়ে যে কন্ট্রাক্ট থাকবে সেটা টর্মিনেট দ আগ্রিড পার্টি ক্যান নট টর্মিনেট দ কন্ট্রাক্ট ওনলি ড্যামেজ ক্লেম করে পাব এটি রেমেডিটি সেইয়া লেখা আছে দ আগ্রিড পার্টি ক্যান টর্মিনেট দ কন্ট্রাক্ট ক্লেম ড্যামেজেস অর ট্রিট দ ব্রিচ অফ ওয়ারেন্টি ওকে এটি রেমেডি কোন হয়ে পাব মনে কর তোমার কন্ডিশন ব্রিচ হলে তুম পাখে ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে কোণ হব কন্ট্রাক্ট পুরা ভাঙ্গি যাইপরে যে বায়ের সে কোণ করবে রিজেক্ট করে দেব প্রডক্টকে রিটর্ন করব ক্লেম করব যে মতো তুমি ড্যামে মো রিটর্ন করে দিলে মো জিনিস টঙ্কা ফেরাই দিও আর ড্যামেজ বি ক্লেম করে পারিব ড্যামেজ মিনস তোমার লেট হয়ে গেলা কোণ হেলা তুমি অননেসেসরি এতে মানে টাইম তুমি ইউজ কল ওকে তো অননেসেসরি তুমি কোণ কল না মনে করে জিনিস কিণিক নেই তুমি ঘরু নেই গলা পরে জাঁল তুমি পুঁ আনি তাকে ফেরাউছ তোমার যে টাইম গলা যা বি খরচ হয়ে তুমি সেই সব জিনিস ক্লেম করে পারিব ওকে তারপরে আগ্রিড পার্টি ক্যান নট টর্মিনেট দ কন্ট্রাক্ট বট ওনলি ক্লেম ড্যামেজেস এতে কন্ট্রাক্ট তো টর্মিনেট হয়ে পারবনি আবল কোণ হব ড্যামেজ ক্লেম হব আউ গোটে জিনিস হয়ে পার কন্ডিশন কোণ হব নিজে যে বায়র যে জিনিস কিনি সি যদি এক্সকিউজ করেদেলা কোণ করেদব যে হচ্ছে ঠিক আছে মো জিনিস তুমি কইল হচ্ছে মানে এই জিনিস ইয়া রহবার লা রহলানি ফির বি জিনিস আসেপ্ট করুছি তোমার যে কন্ডিশন লা তাকে ওয়ারেন্টি কনভর্ট করেদেলা মানে সে কিছু ড্যামেজ ক্লেম করেদেলা খালি ওকে তা বিষয়ে আমি পড়িবা আমি এবে যে তোমার কেতবে কন্ডিশন কু আমি ওয়ারেন্টি বলে ট্রিট করুচার ওকে ট্রিটমেন্ট এ ব্রিচ অফ কন্ডিশন ক্যান বি ট্রিটেড আজ এ ব্রিচ অফ ওয়ারেন্টি ইয়ে তো সত্য কথা এ ব্রিচ অফ ওয়ারেন্টি ক্যান নট বি ট্রিটেড আজ এ ব্রিচ অফ কন্ডিশন এটা বি আমি জানি তাপরে নেক্সট কোণ অছি লিঙ্ক উইথ কন্ট্রাক্ট ইট ইজ ডিরেক্টলি আসোসিয়েটেড উইথ দ অবজেক্টিভ অফ দ কন্ট্রাক্ট এটা তো সত কথা কন্ডিশনটা ডিরেক্টলি বা এসেন্স বলে আমি তাকে কৌন ইট ইজ এ সবসিডারি প্রভিজন ওকে লেসর সিগনিফিকেন্ট ওকে এ তো গলা জাগলে হোয়েন কন্ডিশন টু বি ট্রিটেড আজ এ ওয়ারেন্টি দেখো পিলে ইয়ে হচ্ছে টর্ম রয়েছে কোণ দেখো এ মনে কর জনে সেলর রয়েছে আজ জন কে রয়েছে বায়ের রয়েছে বায়ের জিনিস কিছে পাখা পাখু সেলর পাখু
जदि सेलर किसी भी टर्म मानने कंडीशन की वारंटी को ब्रिज करनी कंडीशन को ब्रिज कर मेन पॉइंट को सी कौन कर एसेंस पॉइंट को सी हूँ कौन कर ब्रिज कर मिसरिप्रेजेंट कर किसी भी कर तेल बायर पाखे रईट्स अच्छे कौन बायर रेपुडिएट कर कंट्राक्ट को मैंने सी रिजेक्ट करदेव आउ डैमेज क्लेम कर रिफंड भी मागिबो ओके किंतु बेले बेले बायर कौन करे एक्सक्यूज कर दिए मीन मैंने छाड़ी दिए हम छाड़ जाइए तुम्हें मत कौन करो ना केवल हो कंट्राक्टर तो रखुची यदि कंडीशन ब्रिज भी तुम्हें कर फिर भी कंट्राक्टर मैंने भांगू नहीं रखुची किंतु मत कि कंपेनसेट कर दि मत कि कंपेनसेट कर दि ये से सब पॉइंट रही मेन मेन पॉइंट कौन व्वेर ए कंट्राक्ट अफ अ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर द बायर मे बी कौन वेव द कंडीशन और इलेक्ट ट्रीट द ब्रिज अफ अ कंडीशन ये भी हो पार मलरेडी तो मुझे कहती कौन बायर कौन कर सैड्रु वेव करदेव छाड़देव गोटे तो है आउ गए एक्सट्रा पॉइंट भी जोड़ी पारि कौन खाली वेव करदेव मैंने छाड़देव तार इच्छा है मुझ मुझे ओके सेकेंड पॉइंट आउ गए पॉइंट हो पारे लगे पारे तो गोटे पॉइंट लिखा है दुटा जाक कौन ना बायर निजे चाहिए कौन जी जो कंडीशन टा ब्रिज है से कह छाड़ कंडीशन तो ब्रिज है फिर भी मुझे राजी हो कौन करा तुम्हें मत केवल जो मोर जो लॉस है जो कंडीशन तुम ब्रिज करें मत कि डैमेज मानने कंपेनसेट कर दि कंट्राक्टर आम कंटिन्यू करवा किए कह बायर कह फर्स्ट पॉइंट एमती कहती कौन बायर ता हिसाब से छाड़देव एटी तो दुटा जाक मिक्स लिखा अच्छे व्वेर ए कंट्राक्ट अफ अ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर द बायर मे बी वेव वेव छाड़देला द कंडीशन और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रिज अफ कंडीशन एज ए ब्रिज अफ वारंटी कहे कंडीशन टा जो ब्रिज है सी निजे निजे कह ठीक अच्छे कंडीशन ब्रिज है कि मुझे ट्रीट कर वारंटी ब्रिज है कि तुम्हें मत केवल डैमेजा पे कर दि जमीक मुझे एग्जांपल कह मनेकर एक्स पाखु वाई गोटे कार परचेज कर कार मेन कंडीशन थी कौन कार हूँ 30 किलोमीटर देख पर लिटर किंतु एबे वर्तमान कार मात्र 20 किलोमीटर देखा पर लिटर तेल एटी वाई कौन कर वाई तो मेन पर्पज रे नहीं था मैंने 30 किलोमीटर देखे बोली तार मेन कंडीशन थी यहाँ कि कौन वाई रिजेक्ट करदेव यहाँ जी कंडीशन अंडर अच्छी किंतु वाई से कलानी वाई कला ठीक अच्छे मुझे जो कंडीशन तुम्हें ब्रिज कर मत मिसरिप्रेजेंट कर फिर भी मुझे रखुची कार आमें मत जो से कि कंपेनसेट कर दि मैंने किसी कंपेनसेट मान गए हिसाब करदे एमती किसी कंपेनसेट कर तेल ये गोटे केस हो पार जे बायर ता सैड्रु कौन कर वेव करदेव और ना कंडीशन को वारंटी बोली ट्रीट कर सेकेंड पॉइंट कौन कह भले कि जिनस नॉन नॉट सेवरेबल नॉट सेवरेबल माने कौन कले हुए कंट्राक्ट अफ सेल इज नॉट सेवरेबल बाध्य कि बायर से कौन करना हूँ तुम कौन कर जिनस को मानने जो कंडीशन को वारंटी बोली ट्रीट कर जमीक कहबी गोटे कंपनी रू मन कर नॉर्मली ये टाइप रे जिनस देखा मिले जो थे किसी लीगल इफेक्ट्स मैंने एमती किसी थी मैंने सरी किसी जिनस तुम्हें परचेज कर जिनसर किसी पार्ट तुम्हें यूज कलापर तुम्हें जान लो जे हूँ तार मेन एलिमेंट्स या मेन मेन कंट्राक्ट या जे यहाँ हूँ मैंने प्योर ए क्वालिटी जिनस कि देखला बेलू तुम से किसी मिक्स ही अच्छी ओके तुम्हें हेटी जिनस को अलरेडी यूज कल किसी जिनस यूज करदे तादेह तेल से तुम्हें जिनस को रिफंड कर मैंने जिनस को रिजेक्ट करसी रिजेक्ट हो पार कि पूराटा रिजेक्ट हो पार तेल ये केस कौन हम कल कह हुए कंट्राक्ट इज सेल इज नॉट सेवरेबल बायर हाज आक्सेप्टेड द गुड्स बायर कौन कर से केस गुड्स को आक्सेप्ट कर और पार्ट आक्सेप्ट कर द ब्रिज अफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ए ब्रिज अफ वारंटी आई केस जी बायर से किसी कंपेनसेट भी क्लेम नॉट एज ए ग्राउंड टू रिजेक्टिंग द गुड्स एंड ट्रीटिंग एज द कंट्राक्ट इज रेपुडेटेड अनलेस देर इज ए टर्म अफ द कंट्राक्ट एक्सप्रेस इम्प्लायड बोला तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन हो पार नथिंग इन दिस सेक्शन शाल बी अफेक्ट दिज एनी कंडीशन र वारंटी फुलफिलमेंट कारण ये एक्सक्यूज्ड बाय लॉ लॉ एक्जिम्प्ट कर दोची कोई जो कंडीशन ब्रिज है किंतु लॉ ताको कोई ना एरा हो पार नहीं ओके माने कौन तुम्हें जमी कह तुम्हें कि मेडिसिन मगे जो कंपनी को ऑर्डर दे मेडिसिन से कंपनी हूँ तुम तुम्हें कह कौन ना 20% हूँ कौन कर ना हूँ अल्कोहल से मिक्स रोज से मेडिसिन केते परसेंटेज 20% तुमको से जिन सप्लाई करदेला
ତାଦେହରେ ସେ ଦେଇଛି 18% ଆଲକୋହଲ ସେ ଜିନିଷ ମେଡ଼ିସିନରେ ମାନେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସରେ 18% ଆଲକୋହଲ ଅଛି ଓକେ ଆଲକୋହଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତୁମେ ଜାଣିଲା ପରେ 18% କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲ ସେ କହିଲା ଲ ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହିଁ ଲ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲ ପରମିସନ୍ ଦେଉନି ଯେ ଲରେ କହୁଛି 20% ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ମନରୁ ନେଇଛି ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା 20% ହେଉଛି ତୁମର ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଲକୋହଲ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଡିସନଟାକୁ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ବ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ଏଇଭଳି ଦେଇଛି ଏଠି ୱେଭର୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ବାୟର ୱେବ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ୱେବ୍ସ ବାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନିଜେ ବାୟର ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓକେ ଏଇଟା ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଜ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି ଯିଏ ବାୟର ସେଥିରେ ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦେଲା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛ ଫିର୍ ବି ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ବାସ୍ ସରିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଲା ୱେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସେ ୱାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି କମ୍ପଲସରି ୱେଭର୍ ହେଉଛି ନନ୍ ସେଭରେବିଲିଟି ଏଇ କେସ୍ରେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କହିବ କଣ୍ଡିସନ୍ଟାକୁ ୱାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ଧରିବ କାରଣ ଜିନିଷ ତାଦେହରେ କିଛି ପର୍ସନ୍ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲାଣି ଓକେ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଲ ଏଥିରେ ଲ ପରମିସନ୍ ଦେଉନି ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମେନ୍ଲି ଚାରିଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଏ ବି ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ୱେଭ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି କ'ଣ ୱାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି କିଏ ବାୟର ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ଏକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ରହିବ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ଼୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଆଉ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଲ୍ କାଭିଟେମ୍ପ୍ଟର ଓକେ ଇଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆକ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆକ୍ଟରରେ ଆମେ ବେସିକ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 6:30 କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁଦିନ ଏକାଦିନେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପଢ଼ାଉଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ଠିକ୍ସେ ଲାଇନ୍ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓକେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ